everything give thanks, for this is the will of God. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pray without ceasing, for this is the will of God. Pray without ceasing, for this is the will of God. Pray without ceasing, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Rejoice evermore, for this is the will of God. Rejoice evermore, for this is the will of God. Rejoice evermore, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. A very warm welcome to all of you who are watching our broadcast today. हमारे कार्यक्रम को देखने वाले हर एक का हम अभिवादन करते हैं। कंटिन्यूइंग विद द बुक ऑफ गैलेशियंस, हम गलातियों की पत्री से आगे बढ़ रहे हैं। वी फिनिश्ड चैप्टर 3 और हमने तीसरे अध्याय को समाप्त किया। एंड वी कम इनटू चैप्टर 4 टुडे और आज हम चौथे अध्याय में आ चुके हैं। आई एम श्योर यू आर बीइंग ब्लेस्ड एज़ यू आर मेडिटेटिंग ऑन गैलेशियंस। मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर आशीषित हैं उस गलातियों की पत्री मनन करने के द्वारा। यू आर बीइंग सेट फ्री फ्रॉम ऑल द रॉन्ग थॉट्स एंड ऑल द रॉन्ग सर्कमस्टेंसेस। आपको स्वतंत्र कर दिया गया है हर एक गलत विचार और हर एक गलत As you meditate on the word and speak the word for every situation. क्योंकि आप वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। But before everything is believing. और ये सभी होता है उस विश्वास के द्वारा। So I am praying that you are believing what we are reading. हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास करने पाएं। That you are a son of God. कि आप परमेश्वर के संतान हैं। Heir of God. कि आप परमेश्वर के वारिस हैं। And we are getting into chapter 4 now. और हम चौथे अध्याय में आ रहे हैं। It says here. यहाँ पर कहता है। Now I say that an heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all. मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास का कोई भेद नहीं। But is under tutors and governors till the time appointed of the father. परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। Even so we. वैसे ही हम भी। When we were children, जब हम बालक थे, were in bondage under the elements of this world. तो संसार के आदि शिक्षा के वश में हम होकर दास बने हुए थे। But when the fullness of time was come. जब समय की पूर्णता आ गई थी, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। To redeem them that were under the law. ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। That we might receive adoption of sons. और हम ले पालक होने का पद मिले। So we must remember when Jesus came. हमें याद रखना है कि कब यीशु मसीह आया था। He came under the law. और वो व्यवस्था के अधीन आया। Why he came was to redeem us from the law. क्यों वो आया कि उस व्यवस्था से हमें छुड़ाने so के लिए। So that we can be adopted as sons by God. ताकि परमेश्वर के द्वारा हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र होने पाएं। अगला पद कहता है, Because you are sons, और तुम जो पुत्र हो, God had sent forth the spirit of his son into your hearts crying Abba Father. इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। This is real good news. ये बहुत ही अच्छा शुभ संदेश है। Not only did he adopt us, न केवल हमें लेपालक लिया, he gave this wonderful person called the Holy Spirit, और उसने अद्भुत व्यक्ति को दिया जिसका नाम है पवित्र आत्मा, who is God, जो परमेश्वर है, who is the spirit of his son, और जो आत्मा का पुत्र है वो, who impresses upon us that God has adopted us, जो हमें इस प्रकार दिखाता है कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, person of the Trinity, और वो त्रिएक का एक व्यक्ति है, helper, वो हमारा सहायक है, he's our counselor, वो हमारा सलाहकार है, our guide, वो हमारी अगुवाई करता है, teacher, वो हमारे शिक्षक he helps us to pray, वो हमारी प्रार्थना में सहायता करता है, he reveals to us truth from the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा उस सच्चाई को प्रकाशन he prepares करता है, us to be the bride of Christ, और वो तैयार करता है मसीह के उस दुल्हे के तौर पर, he brings to us our inheritance, वो हमें उस वारिस को ले आता है, helps us to be healed, सहायता करता है चंगाई के लिए, everything he does for us. सभी चीजें वो हमारे लिए करता है। So if you have not believed on the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं किए हैं, believing today, आज से शुरू करें उस पर विश्वास करने के लिए। God has sent forth the Spirit of His Son into your heart when you say Jesus is my Lord. The Holy Spirit has come to live in you. जब आप कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, तो परमेश्वर ने उसके पुत्र की आत्मा को आपके अंदर भेजा। And God cannot be your Father without Jesus. पिता परमेश्वर आपका पिता नहीं हो सकता यीशु के सिवा। Without the Holy Spirit, you have no assurance that God is your father. पवित्र आत्मा के ना होने के द्वारा वो आपको स्थिर नहीं करता कि वो पिता है।
But when you have received and you know the person of the Holy Spirit, you cry out, Abba, Father. जब पवित्र आत्मा के उस व्यक्तित्व को आप जानते हैं, आप चिल्लाते हैं, अब्बा पिता. And wherefore thou art no more a servant. और इसलिए तू अब दास नहीं. See, a son cannot be a servant. पुत्र कभी दास नहीं हो सकता. Son is a son. पुत्र पुत्र ही है. Servant is a servant. और दास दास ही होता है. See, wherefore thou art no more a servant but a son. यहाँ पर वो कहता आगे से आप दास नहीं मगर पुत्र हो. If a son, then you're an heir. और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर का वारिस हुआ. An heir of God through Christ. और मसीह के द्वारा परमेश्वर का वारिस हुआ. What a wonderful position we are in. कितना अच्छा स्थान परमेश्वर हमें दिया है. God is so interested in us. कितना परमेश्वर हमारे कार्यों के लिए ध्यान देता है. He's planned such wonderful things for us. कितना अद्भुत कार्य उसने हमारे लिए किया है. Don't condemn yourself. आप अपने आप को दंडित ना दें. Don't live in self-pity. आप अपने आप में दयनीय अवस्था में ना रहें. Live in the fear of man. उस मनुष्य के भय में ना रहें. Live in all the lusts of the flesh. जो सभी उस देह की अभिलाषा में रहते हैं. Live as though you're a son of God. उस प्रकार जिए कि जिस प्रकार आप परमेश्वर के संतान. And an heir of God through Christ. और मसीह के द्वारा उस परमेश्वर के वारिस होते हुए. How be then when he knew not God, he did service unto them which by nature are no gods. पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव में परमेश्वर नहीं. So you were serving not the real God. उसका मतलब आप सच्चे परमेश्वर की सेवा But नहीं now, कर रहे थे. After that you have known God, or rather unknown of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire again to be in bondage? पर अब जो तुम जो परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्बी आदि शिक्षा के बातों की ओर क्यों हो? गलेशियन चर्चेस वो गलतियों के विश्वासियों से कहता है. यू डिड नॉट नो गॉड. पहले आप परमेश्वर को नहीं जानते थे. नाउ यू नो जीसस. मगर अभी आप यीशु को जानते हो और जानते हो क्या उसने किया. अबाउट हिज ब्लड. उसके लहू के बारे में जानते हो. यू नो अबाउट हिज राइटियसनेस. आप जानते हो उसकी धार्मिकता को. यू नो दैट गॉड हैज अडॉप्टेड यू. आप जानते हो कि आपका लेपालक किया है. स्प्रेड इनटू योर हार्ट. और उसने पवित्र आत्मा को आपके हृदय में दिया. नोन ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के द्वारा जाने गए हो. ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के संतान हो. नाउ हाउ कैन यू गो बैक टू द वीक एंड बेगरली एलिमेंट्स व्हिच ब्रिंग यू इनटू बॉन्डेज. अभी आप वापस उस परिस्थिति में कैसे जा सकते हो जो आपकी दासत्वता की उसी अवस्था में ले आए. ऑब्जर्व डेज एंड मंथ्स एंड टाइम्स एंड इयर्स. तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो. थिंग्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन द स्पिरिट वर्ल्ड द ईविल वर्ल्ड. और जो बुरी आत्मा में उस स्तर में बढ़ता है उसको आप जानते हो. यू डोंट वांट टू बी कनेक्टेड विद दैट. आप उसके साथ कोई रिश्ता ना बनाएं. डोंट कम बैक इनटू बॉन्डेज. आप कभी दासवत की अवस्था में ना आए. लिव इन लिबर्टी. आप जिए स्वतंत्रता में. सन ऑफ गॉड एंड एन हीर ऑफ गॉड. और जिए उस परमेश्वर के संतान और उसके वारिस के तौर पर. आई एम अफ्रेड ऑफ यू लेस्ट आई हैव बेस्टोड अपॉन यू द लेबर इन वेन. पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कि ऐसा ना हो जो परिश्रम मैंने किया तुम्हारे लिए व्यर्थ ठहरे. ही स्टिल कॉल्स देम ब्रदरिन. वो फिर भी कहता है हे भाइयों. दे हैव रिसीव्ड इटर्नल रिडेम्पशन. क्योंकि वो अनंत छुटकारा उन्होंने पाया. रिसीव्ड सेल्वेशन. उन्होंने उद्धार को पाया. गॉन ऑफ इनटू द रॉन्ग ट्रैक. और वो गलत रास्ते में नहीं गए हैं. They have not lost their salvation, but they are walking in the wrong way. उस उद्धार को उन्होंने खोया नहीं मगर गलत रास्ते में चल रहे हैं. Brethren, I beseech you, be as I am. कहता है भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ तुम मेरे समान हो जाओ. For I am as ye are, and ye have not injured me at all. मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं. Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. पर पहले तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर के निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया. Temptation which was on my in my flesh it despised not. और जो परीक्षा मेरी देह में थी वो मुझे घृणा के तौर पर नहीं किया गया. Not rejected, but received me as an angel of God, even as Christ Jesus. ना उसे घृणा की और परमेश्वर के दूध वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया. How you received me as though Jesus himself had come into your group. आपने उस प्रकार हमें ग्रहण किया जिस प्रकार मसीह आपके साथ मिल गया है. Though I had an infirmity in the flesh, you still did not despise me. शरीर में मेरी कमियां थी फिर भी आपने हमारा इंकार नहीं किया. So what is he saying here? यहाँ पर क्या कहता He's है saying here that where is then the blessedness is speak of. यहाँ पर कहता है तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? For I bear record that if he had been if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. You were so much in love with me. मैं तुम्हारा गवाह हूँ यदि हो सकता तो तुम अपनी आँख भी निकाल कर मुझे दे देते. Nobody is willing to pluck out their eyes and give to somebody. कोई भी तैयार नहीं है अपनी आँख को निकाल कर दूसरों को But देने you know, के लिए. Paul is using this as an expression of speech of the love they had towards Paul.
मगर पौलुस इस प्रकार दिखाता है कि आपका प्रेम मेरी ओर उस प्रकार का प्रेम था। Am I therefore become your enemy because I tell you the truth? तो क्या तुम में सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया? You know when Paul went to Galatia and he preached the gospel, they all received the gospel and they received Paul and even though Paul had an infirmity, they did not despise him. They yet received him and they received the word that he gave them about Jesus. गलातियों में जाकर पौलुस इस प्रकार उस सुसमाचार को सुनाया और वहां के लोग उस सुसमाचार को लिए यहां तक कि पौलुस की कमी थी। You love me so much, you are willing to pluck out your eyes and give them to me. आप इतना प्रेम करते हो कि अपना आंख भी निकाल कर मुझे देने के लिए तैयार हो। I'm telling you the truth, you've gone away from the gospel. मगर मैंने जो सच्चाई किया मगर उसके द्वारा सुसमाचार से आप दूर हो गए हो। Don't treat me as your enemy now. आप कभी बैरी के समान मुझे ना देखें। You are not walking in truth. अगर आप सच्चाई में नहीं चल रहे हैं। Run back to the law. और वापस व्यवस्था में चले गए हैं। Back to the weak and beggarly elements. अगर आप वापस उस कमजोर अवस्था में चले गए हैं तो You have gone into bondage. आप दासवत में चले गए हैं। I'm telling you the truth. Be as I am. मैं सच्चाई कहता हूँ, मेरे समान आप भी हो जाओ। Be like me. मेरे समान बन जाओ। Is what Paul is saying here. यही पौलुस यहाँ पर कहता है। 17. They zealously affect you, but not well. और 17वें पद में कहता है, वे तुम्हें मित्र बनाना चाहते हैं, मगर भले उद्देश्य से नहीं। They would exclude you that he might affect them. वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं का मित्र बने रहो। But it is good to be zealously affected always in a good thing, not only when I am present with you. पर यह भी अच्छी है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। Now verse 19 is very very important. 19वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। The reason why God saved you. क्या कारण कि मसीह ने आपको बचाया? 19 पद में कहता है, My little children. हे मेरे बालकों. He's calling them little children because he is the reason why they all got saved. वो यहाँ पर बालकों के तौर पर कहता है क्योंकि उनके द्वारा वो आए थे. Of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ. I'm praying for you. वहाँ कहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. मैं आपको भूला नहीं कभी. I want Christ to be formed in you. मैं चाहता हूँ कि मसीह आप में पाया जाए. So he's saying this is the reason why God saved you. यही कारण है कि मसीह ने आपको बचाया. To become like Jesus. कि आप यीशु के समान बन जाएं. Going away from Jesus into the law. मगर आप मसीह से दूर होकर उस व्यवस्था में जा रहे हैं. Losing out the reason for which you are saved. और उन चीजों को खो रहे हैं जिस कारण के लिए बचाए गए थे. I'm praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Traveling with pain. और मैं पीड़ाओं से गुजर रहा हूँ. That Christ be formed in you. कि मसीह आप में पाया जाए। I desire to be present with you now and to change my voice, for I stand in doubt of you. इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और यही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। Tell me, either desire to be under the law, do we not hear the law? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था में नहीं सुनते? For it is written, क्योंकि यह लिखा that है, that Abraham had two sons. अब्राहम के दो पुत्र हुए, the one by a bond maid and the other by a free woman. एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से. Now this story is mentioned in Genesis. और ये उत्पत्ति में ये कहानी बताया गया है. Sarah had a slave called Hagar. और सारा का एक दासी था जिसका नाम हागर है. Since Sarah was not conceiving seed, Sarah made this plan that Abraham should sleep with her handmaiden and produce a child for her. और जब सारा ने देखा कि वो गर्भवती नहीं हो रही, उसके दासी के साथ उसका पति सोए और उनके द्वारा एक संतान उत्पन्न हो, उनके जीवन में इस प्रकार वो सोच लाई. And so a child was born to Hagar. और वहाँ पर हागार का एक संतान And जन्म लेती name, है. His name is Ishmael. और उसका नाम था इश्माइल. But God did not receive him as a son of Abraham. मगर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया अब्राहम के पुत्र के तौर पर. The son that was born to Hagar, the bond woman, and Ishmael that was born to her was not received by God as the son of Abraham. और इश्माइल जो हागार के द्वारा जो दासी थी जन्म लिया, उसको परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र के तौर पर नहीं लिया. is going to have a son. मगर परमेश्वर ने कहा सारा का एक संतान होगा. So, though Abraham had two sons, God only looked at Isaac as the seed of Abraham. यहाँ तक कि अब्राहम के दो पुत्र थे, मगर परमेश्वर ने देखा इसहाक को जो उसका बीज था. And verse 23 he says, 23 पद में कहता है, he who was of the bond woman was born after the flesh. परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा था. But he of the free woman was by promise.
और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। God gives a promise and he fulfills it. That's the nature of God. परमेश्वर का स्वभाव यह है, वो प्रतिज्ञा देता है और उसे पूरा करता है। God gave a promise to Abraham and fulfilled it through Sarah. He gave Abraham a seed. और परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी और प्रतिज्ञा के तौर पर सारा के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया अब्राहम के लिए। Born out of Hagar is called the son of the flesh. और हागार के द्वारा जो जन्म लिया वो संतान शारीरिक तौर पर जन्मा था। That was born out of Sarah is called the seed of promise. और सारा के द्वारा जो जन्मी थी वो प्रतिज्ञा के संतान के तौर पर कहता है वहाँ पर। Which things are an allegory? इन बातों में दृष्टांत है। For these are the two covenants. ये स्त्री या मानो दो वाचाएं हैं। One from Mount Sinai, which is what was given to Moses. एक तो सिनाई पहाड़ से जिसे मूसा को दिया गया था। That gendered bondage, which is Hagar. और जिसके द्वारा दास उत्पन्न हुई और वो हजीरा है। Hagar was a bondwoman and what she produces is only bondage and what was given on the Mount Sinai was the promises that bring you into bondage. और हजीरा एक दासी थी, उसके द्वारा जन्म लिया गया वो भी एक दास के तौर पर, और जो सिनाई पहाड़ पर दिया गया था वो आपको दासत्व में ले जाता है। For this Hagar is Mount Sinai in Arabia. और हजीरा मानो अरब का सिनाई पहाड़ है। Answereth to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासवत में है। So we see here what happens. But Jerusalem, which is above, is free. मगर यहाँ पर कहता है पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। It's not like Mount Sinai. वो सिनाई पहाड़ के समान नहीं है। What was given on Mount Sinai is the law of Moses. जहाँ पर सिनाई के पहाड़ पर मूसा का व्यवस्था दी गई थी। Brings you into bondage. वो आपको दासवत में ले आती है। Represents Hagar. और वो हजीरा को दिखाता है। But Jerusalem, which is above, is free. पर जो ऊपर का यरूशलेम जो स्वतंत्र है। And he's saying here that which is the mother of us all. वहाँ पर कहता है वह हमारी माता है। Jerusalem. यरूशलेम। For it is written, Rejoice thou barren that bearest not, break forth and cry thou that travailest not, for the desolate hath many more children than she which has an husband. क्योंकि लिखा है, हे बाज, तू जो नहीं जनती, आनंद कर और जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। Now the next verse is so important. अगला पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। So if you're a believer in Christ, अगर आप मसीह में एक विश्वासी हैं तो, you are like Isaac, आप इसहाक के समान हैं, the seed of promise, उस प्रतिज्ञा के संतान, the seed of Abraham, अब्राहम का संतान, when Abraham was tested by God, परमेश्वर के द्वारा जब अब्राहम की परीक्षा की गई, what happened? He told Abraham, तब उसने क्या कहा, अब्राहम, take your son, your only son, अपना प्रिय पुत्र, actually before that he had Ishmael. उससे पहले उसको इश्माइल था। But God never spoke about Ishmael. मगर परमेश्वर कभी इश्माइल के बारे में नहीं कहा। He didn't consider him a son of Abraham. वो कभी भी इस प्रकार नहीं सोचा अब्राहम का संतान है। उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में Abraham is God is speaking to Abraham. परमेश्वर अब्राहम से बातें करता है। He's telling him, I want to see if you'll obey me. If you love me, you will obey me. वहाँ पर कहता है, अगर तुम उससे प्रेम करता है, इस आज्ञा का पालन करेगा। Take your son, your only son, Isaac, and offer him as a burnt offering on Mount Moriah. अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, उस मोरिया में ले जा। So he did not even acknowledge Ishmael. यहाँ तक कि वो कभी माना नहीं इश्माइल को। But now we see here where we are. यहाँ पर हम देखते हैं हम कहाँ पर हैं। किस प्रकार वो हमारे साथ करता है। Now we brethren, यहाँ पर इस प्रकार कहता है, हे भाइयों। Remember, he's writing to the Galatians who were bewitched, who were actually almost like, you know, foolish. They were kind of accursed because they were going away from Jesus Christ and his gospel. They were going off into another gospel. All the problems we've seen from Genesis, Galatians 1 even up till now. और गलातियों के विश्वासियों को लिखता है जिस प्रकार वो मसीह से दूर हो जा रहे थे और मूर्ख के तौर पर वो कहता है, और जो विश्वास वो जानते थे उससे अलग हो गए, उनको वो इस प्रकार लिखकर इस प्रकार की बात को कहता है। But he's calling them brethren. मगर उनको कहता है, हे भाइयों। He's telling them who they are. वो कहता है कि आप कौन हैं? They are like Isaac, the seed of promise. आप इसहाक के समान हो जो प्रतिज्ञा की संतान है। As then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now.
और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। Even now, our flesh is fighting against our spirit. और हमारा देह हमारी आत्मा से लगातार लड़ता रहती है। So our flesh is in likeness of Ishmael. और हमारा देह उस इश्माएल के समानता में हम देखते हैं। What is God telling us through this book of Galatians? गलातियों के पत्र से क्या परमेश्वर हमसे कहता है? Flesh is at enmity with the spirit. और जो हमारा देह आत्मा के विरोध में होता है। You have to crucify your flesh. आपको अपने देह को क्रूस पर चढ़ाना है। Cast out the law. उस व्यवस्था को अलग करना है। And you have to live in the promises of God. और आपको जीना है परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, Jesus Christ. मसीह में विश्वास रखते Let's हुए। Read the next verse. अगले पद क्या कहती है? Nevertheless, what said the scripture? Cast out the bond woman and her son. परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। For the son of the bond woman shall not be heir with the son of the free woman. क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। So then, brethren, we are not children of the bond woman, but of the free. इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं, परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। We see what happened. यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। Bond woman and her son. That is Hagar and Ishmael were cast out from the presence of the Lord and the presence of Abraham. और दासी और उसका पुत्र को हम देखते हैं जो हागार और इश्माएल को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग किया गया, दूर किया गया। It caused pain to Abraham. वो दर्द लाया अब्राहम को। But he was willing to do that. मगर वो तैयार था उसे करने के लिए। He thought Ishmael was his only son. उसने सोचा कि इश्माएल उसका प्रिय पुत्र है। But God said, "I'm giving you a son through Sarah." मगर परमेश्वर ने कहा सारा के द्वारा मैं एक पुत्र को तुझे दूंगा। He will be the son of promise. और वही पुत्र प्रतिज्ञा का संतान होगा। These people cannot live together. और ये दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते। So this is what will is applicable in our life. और वही हमारे जीवन में भी ले आना है हमें। Flesh and the spirit cannot live hand in hand. देह और आत्मा एक साथ नहीं जी सकती हैं। You need to crucify the flesh to live in the spirit. इसलिए हमें क्रूस पर चढ़ाना है उसे देह में। Walk in the spirit so that you won't fulfill the lust of the flesh. आप आत्मा में चले तो कभी भी देह की अभिलाषा को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। So we see here the flesh and spirit are at war otherwise. हर वक्त देह और आत्मा में युद्ध होते रहती है हमारे जीवन में। We are not children of the bond woman. हम उस दासी के संतान नहीं हैं। We are children of Sarah the free woman. हम जो सारा के संतान हैं, जो स्वतंत्र स्त्री। We are the result of a promise given to Abraham. अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी गई थी उसका परिणाम है हम। All the nations of the earth will be blessed. उसके द्वारा सभी देश के लोग आशीष होंगे। Through Jesus Christ our Lord and Savior. उस यीशु मसीह के जो उद्धारक। So when you believe in Jesus. जब आप विश्वास करेंगे यीशु को। You come as a seed of promise to God. और परमेश्वर के सम्मुख में उस प्रतिज्ञा के संतान के तौर पर आप आते हैं। God looks at you with favor. परमेश्वर आपकी ओर देखता है अनुकूलता की ओर। God is ready to bless you like he did Isaac. परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए इसहाक की तरह। The Philistines envied Isaac. और जिस प्रकार फिलिस्तीन इस प्रकार द्वेष किए इसहाक के साथ। They saw that God was with Isaac. उन्होंने देखा इसहाक के साथ परमेश्वर था। Whatever Isaac did prospered. जो कुछ इसहाक किया उसमें उसको समृद्धि हुई। In famine he sowed and he reaped in the same year 100-fold. उसने अकाल में बीज को बोया और 100% फल को उसने and प्राप्त किया। And they wanted to make a covenant with Isaac, saying, "You don't fight with us, and we won't fight with you." वो इसहाक के साथ एक वाचा बांधना चाहते थे कि हमारे साथ इस प्रकार युद्ध तू मत कर। Why? Because they saw that God was with Isaac. क्योंकि उन्होंने देखा इसहाक के साथ परमेश्वर था। They saw that Isaac was blessed by God. उन्होंने देखा इसहाक आशीषित होता है उस परमेश्वर के द्वारा। The blessing of the Lord was upon Isaac like it was on Abraham his father. जिस प्रकार अब्राहम जो पिता उसके समान ही वो आशीष इसहाक के ऊपर भी देखा। Just like Isaac was blessed. जिस प्रकार इसहाक आशीषित हुआ। It was the seed of promise. वो जो प्रतिज्ञा का उसी प्रकार हम भी। We are blessed because we are the seed of promise. हम आशीषित हैं क्योंकि हम प्रतिज्ञा के संतान हैं। Why? Because we believe in Jesus. क्योंकि हम विश्वास करते हैं मसीह यीशु पर। We must not go back to Mount Sinai. हम वापस उस सिनाई पहाड़ पर ना जाएं। We must not go back to the law of Moses. मूसा की व्यवस्था की ओर वापस ना जाएं। Remember this: the law was our schoolmaster to bring us to Christ. याद रखें व्यवस्था हमारा शिक्षक था हमें मसीह के पास लाने के लिए। जब आप मसीह के पास आ गए यीशु को उद्धारकर्ता के तौर पर ग्रहण कर लिया। मूसा की व्यवस्था की ओर वापस ना जाएं।
You have the Holy Spirit to lead you. आपकी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा है. Not a set of rules. ना कि कुछ व्यवस्था के नियम दिए गए हैं. You are called to walk after the Spirit. आपको बुलाया गया है आत्मा के तौर पर चलने के लिए. और उस आत्मा के द्वारा जिए. By the Spirit. उसी में बनते रहें. Guided by the Spirit. उस अगुवाई करे आत्मा के द्वारा. You are getting into the promises of God and wanting these promises to be fulfilled in your और परमेश्वर के प्रतिज्ञा में आप प्रवेश करते हैं और वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होती है. Heir of God. और आप परमेश्वर के वारिस हैं. Calling. आपकी एक बड़ी बुलाहट है. You have a holy calling. आपकी पवित्र बुलाहट है. You're called to be holy and blameless before God. आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और निर्दोष ठहरे. Not born of the flesh, but you're born of the Spirit. आप देह से जन्मे नहीं हैं, मगर आत्मा से जन्मे हुए हैं. What must we do? हमें क्या Very करना Very important है? Is verse 30. तीसवां पद बहुत ही महत्वपूर्ण है. Cast out the bondwoman and her seed. दासी और उसके पुत्र को निकाल दो. Yes, set aside the law of Moses. मूसा की व्यवस्था को एक तरफ रख दे. Don't live in it. उसमें ना रहे. Jesus has nailed it to the cross. यीशु ने उसे क्रूस पर ठोक दिया है. You are free. और आप स्वतंत्र हैं. You are free and people around you, you can bring them into freedom by speaking these words. आप स्वतंत्र हो चुके हैं और आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उसे ला Don't सकते bring हैं. Them into bondage and wrath. उनको उस क्रोध में और दासवत में ना लाए. Call them what God calls them. बुलाए जो कुछ परमेश्वर उनको बुलाता है. Heir of God. परमेश्वर ने बुलाया परमेश्वर का वारिस. Joint heir with Jesus. मसीह के साथ सहवारिस. Seed of Abraham. और जो अब्राहम का संतान. Blessed to be a blessing. और आप आशीष का कारण ठहरेंगे. You need to cast out the bondwoman and her son. मगर दासी और उसके पुत्र को बाहर निकालना बहुत जरूरी है. You are in Jerusalem. You are not in Mount Sinai. आप यरूशलेम में हैं और सिनाई पर्वत पर नहीं हैं आप. You are in Mount Zion. और आप सियोन के उस पहाड़ पर हैं. Zion is where Jesus came and he was crucified outside Jerusalem and he rose again from the dead and showed himself to everybody in Jerusalem. और सियोन वो जगह है जहां पर यीशु मसीह आया यरूशलेम से बाहर होकर वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और उसके बाद वहां पर जिया और कई लोगों से दिखाई दिया. He broke the bread and wine and said, "This is the blood of the New Testament." और वहीं पर उसने उस रोटी को तोड़ा और कहा कि ये नई वाचा का लहू है. And he brought his disciples into the new covenant. और उसने अपने चेलों को नई वाचा में ले आया. We need to live in Mount Zion. और हमें उस सियोन के पर्वत में रहना है. We have to live on Mount Zion and not on Mount Sinai. और सिनाई के पर्वत में ना रहते हुए जियोन के पर्वत में रहें. And we are not children of the bondwoman, but we are children of the free. हम दासी के संतान नहीं मगर स्वतंत्रता के संतान हैं. That's how we need to live in the spirit. उसी प्रकार हमें आत्मा में रहना है.